हार्डवर्क एंड रिजल्ट ऑलवेज मूव टूगेदर टूडे इज ट्वेंटी क्वेश्चन के आंसर हैं नॉर्वे वो कंट्री है जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ द मिड नाइट सन जपैन इज द कंट्री ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन भूटान भूटान इज द कंट्री जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कंट्री स्विट्जरलैंड है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिसमें हाइएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं आज के सवाल हैं द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस ऑल इंडिया किसान सभा वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर ये इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया किसान सभा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फॉर्मड इन विच ईयर दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट द बुद्धा प्रीचड हिज फर्स्ट सरमन एट विच प्लेस एशियाटिक सोसाइटी वॉज एस्टैब्लिश इन कैलकटा बाय होम सो दीज आर फाइव क्वेश्चन आज की वो कैबलरी है सर्टेनिटी सर्टेनिटी का मतलब होता है यकीन फर्म कॉन्विक्शन दैट समथिंग इज द केस वॉल्यूबल का मतलब होता है बातुनी टॉकेटिव वर्बोस। एम्बेजल मीन होता है स्टील और मिस एप्रोप्रिएट मनी हड़पना स्टील रॉब पिल्फर बैलिकोज का मतलब होता है लड़ाकू Aggressive, hostile. Meekly का मतलब होता है इन अटेंटल एंड सब मैनर ट्वेंटी फर्स्ट क्वेश्चन है नेशनल पार्क ऑफ इंडिया पे हमें एक नोट तैयार करना है इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क है उसको एक बार आप बस लिख लो इनमें से बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे ये बहुत ज्यादा नहीं है सेंचुरी डिफिकल्ट है बट नेशनल पार्क हमें पता होने चाहिए स्टेट वाइज प्रिपेयर अ नोट ऑन द नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इसकी विकीपीडिया पेज भी देखना बहुत अच्छे से अपडेटेड है और एनविस साइट पे डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना सेकेंड क्वेश्चन है प्रिपेयर अ नोट ऑन द लोकसभा लोकसभा बॉडी कैसे वर्क करता है ये हाउस कैसे वर्क करता है इसके रोल क्या है फंक्शंस क्या है ड्यूटीज क्या है एटसेट्रा प्रिपेयर दिस नोट सो दीज आर टू क्वेश्चंस फॉर टुडे आज ट्वेंटी एट ऑफ अप्रैल है एंड दिस इज द हिंदू फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्टेट्स नॉट पासिंग ऑन फ्यूल ड्यूटी कट टू पीपल तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ स्टेटमेंट दिया है इन द करंट ग्लोबल सिनेरियो फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियाज इकॉनमी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन इकोनॉमिक डिसीजन इज नेसेसरी सेंटर और स्टेट इकोनॉमिक डिसीजन जो हो रहे हैं वहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना जरूरी है इन द कंडीशन इम्पोज बाय ग्लोबल इवेंट स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्मिकम्स इम्पोर्टेंट इस स्टेटमेंट का टॉपिक क्या है इस स्टेटमेंट का टॉपिक है पेट्रोल फ्यूल प्राइसेज सी हम फ्यूल को इंपोर्ट कराते हैं फ्यूल इंपोर्ट होता है से गल्फ कंट्रीज से आ रहा है गल्फ कंट्रीज से जो फ्यूल आया सपोज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का एक फिक्स्ड प्राइस है जैसे अभी डॉलर हंड्रेड बैरल से ऊपर चल रहा है अब ये प्राइस जो है उससे हमारे रिफाइनरीज ने इस ऑयल को ख़रीदा अब ये ऑयल जैसे सऊदी गल्फ कंट्रीज से चल रहा है तो इतना फ्रेट का चार्ज लगेगा माल ढुलाई फ्रेट का चार्ज लगेगा फिर फ्रेट चार्ज के बाद वो इंडियन इंडियन लोकेशन पे आएगा इंडिया में आएगा फिर ये जो ऑयल होता है ये कच्चा तेल होता है क्रूड ऑयल होता है इसकी करनी पड़ती है रिफाइनमेंट रिफाइनरी के थ्रू हम पढ़ते हैं ना डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होता है न, तो इससे रिफाइनरी होती है इसकी रिफाइनरी के बाद क्या होता है पेट्रोल को भी अलग अलग क्रूड ऑयल को उसकी ग्रेड से हम डिस्टिल करते हैं अलग अलग ग्रेड का पेट्रोल उससे अलग अलग कॉम्पोनेंट हम रिकवर करते हैं अब इसमें भी एक कॉस्ट होता है अब इसमें लगता है सेंटर का टैक्स इसमें लगता है स्टेट का टैक्स इसमें लगता है अदर चार्जेस जो पेट्रोल पंप्स एटसेट्रा है तो जो प्राइस हमें पड़ती है एक्चुअल क्रूड ऑयल से वो ऑलमोस्ट टू टाइम्स हो जाती है टू टाइम्स हो जाती है ये डिटेल है जैसे क्रूड ऑयल प्राइस ये वो चार्ज होता है क्रूड ऑयल प्राइस का जो ग्लोबली है ग्लोबली कि अभी जैसे हंड्रेड डॉलर पर बैरल चल रहा है इसमें पेट्रोल डीजल की प्राइस अगर हंड्रेड डॉलर से वन ट्वेंटी वन थर्टी जाती है तो ऑब्वियसली उसका इंपैक्ट रिटेल प्राइस पे भी आएगा अ ग्लोबल चेंज इन क्रूड ऑयल प्राइस अफेक्ट्स पेट्रोल एंड डीजल प्राइस कॉस्ट इन इंडिया फैक्टर्स क्या होते हैं अब जैसे अभी रशियन क्राइसिस हो रहा है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के कारण क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ गया इंटरनेशनल लेवल पे सप्लाई एंड डिमांड का प्रॉब्लम हो रहा है कोविड नाइनटीन हुआ लॉजिस्टिक्स चैलेंज आए फ्यूचर ऑयल रिजर्व एंड सप्लाई जो है कई बार जो ओपेक है ये कार्टल बनाता है और ये डेलीबरेटली प्रोडक्शन को कट कर देते हैं ताकि एक स्कॉ बनी रहे और ऑयल प्राइस अप हो जाए तो ये जो फैक्टर होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है क्रूड ऑयल का प्राइस इसके बाद डीलर्स की कॉस्ट आती है मार्केटिंग कंपनीज है जैसे एक हमारी कंपनी हो गई अपना पेट्रोल की जो बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है आई सी एल एक कंपनी हो गई लाइक दैट इंडियन ऑयल हो गया एटसेट्रा तो ये मार्केटिंग कंपनीज़ है ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं क्रूड ऑयल को तो ये भी अपना एक कट लेती हैं एक स्पेसिफिक प्राइस चार्ज करती है फिर इसमें बहुत सारे क्योंकि फैक्टर्स हैं इनका ऑपरेशन कॉस्ट निकल है जैसे रिफाइनिंग कॉस्ट हुआ फ्रेट का चार्जेस हुआ अदर्स सो so, एक कॉस्ट ऐड हो गई डीलर्स कॉस्ट इसके बाद थर्ड कॉस्ट जैसे ऐड होती है वो होती है कमीशन चार्ज बाय द डीलर ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक कमीशन देती है पेट्रोल पंप ऑनर्स को बिकॉज वो पेट्रोल पंप का ऑपरेशन कर रहे हैं तो उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए तो वो भी एक कट यहाँ पे लेते हैं प्रॉफिट इनकम जो ऑपरेशनल कॉस्ट है पेट्रोल पंप का वो यहाँ पे इसको इंक्लूड किया जाता है तो प्राइस और बढ़ेगी इसके अलावा गवर्नमेंट का टैक्स होता है एक होता है सेंटर का एक्साइज ड्यूटी एक्साइज पेट्रोल और डीजल ड्यूटी बोलते हैं प्री डिफाइंड अमाउंट होता है जो फिक्स्ड होता है कि इतना सेंटर एक्साइज ड्यूटी लेगा इट डज नॉट फ्लक्चुएट विद राइज एंड फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस तो सेंटर ने यहाँ पे सेंटर का ये कट हो गया कि वो पर लीटर पेट्रोल में इतना प्राइस सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगा के यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी यूनियन गवर्नमेंट करती है साथ ही साथ स्टेट भी करता है क्योंकि देखो हर राज्य में पेट्रोल डीजल की प्राइस अलग है तो मतलब ये स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस यहां पे लग रहे हैं तो जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जैसे वैट लगाया पेट्रोल डीजल पे दिल्ली गवर्नमेंट अलग वैट लगाएगी गुजरात गवर्नमेंट अलग लगाएगी तो आप देखना इन सब राज्यों में पेट्रोल का जो प्राइस है वो अलग अलग होगा तो ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स चार्ज ऑन द बेस प्राइस प्लस एक्साइज ड्यूटी सो दिस इज स्टेट लेवल पे सेल्स टैक्स तो ये दो तो फैक्टर्स होते हैं इसके अलावा एक और फैक्टर होता है वो होता है इंडियन रुपी बिकॉज बेसिकली हम परचेज कर रहे हैं इंपोर्ट करा रहे हैं ऑयल को तो इंडियन रुपी अगेंस्ट यूएस डॉलर का वैल्यू डिटरमाइन करेगा कि कितना कॉस्ट पड़ा वो ऑयल बुलाने का यूएस डॉलर के अगेंस्ट इंडिया का रुपी का वैल्यू बिकॉज जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो यू एस डॉलर में होते हैं तो डॉलर के रिलेटिव इंडियन वैल्यू रुपी का क्या हो रहा है अगर डॉलर की वैल्यूज हाई हो रही है तो कॉस्ट टू परचेज क्रूड ऑयल भी शूट अपवर्ड हो जाएगा जैसे अभी 75, 76 का एक डॉलर हो गया था 76 सिक्स रुपी का वन डॉलर हो गया था ये बढ़ के एट्टी रुपी हो जाएगा तो और महंगा हो जाएगा पेट्रोल डीजल बुलाना तो ये छह ऐसे फैक्टर्स लगते हैं क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल प्राइस डीलर्स का कॉस्ट कमीशन बाय द डीलर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी स्टेट सेल्स टैक्स और वैल्यू ऑफ इंडियन रुपये अगेंस्ट यूएस डॉलर ये जो चीजें होती है ये कलेक्टिवली डिसाइड करती है कि रिटेल पे जैसे अभी एक सौ रुपए लीटर बिक रहा है तो वो कैसे बिक रहा है इस तरीके से वो बिक रहा है अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो टैक्स की बात है तो यहाँ सेंटर भी टैक्स लगा रही है स्टेट भी टैक्स लगा रहा है तो इन दोनों को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के थ्रू एक फॉर्मूला निकालना चाहिए ताकि जो एंड यूजर है रिटेल यूजर है उस पर पे पेट्रोल डीजल की प्राइस का इतना बड़ा इम्पेक्ट नहीं पड़े बिकॉज ये जो दोनों गवर्नमेंट्स होती हैं सेंटर भी हुआ स्टेट भी हुआ ये जो पेट्रोल और डीजल होता है ना ये इनके लिए बहुत ईजी और रिलायबल मनी होता है तो सेंटर या स्टेट दोनों गवर्नमेंट इधर टैक्सेशन कभी कम करने के मूड में नहीं रहती बिकॉज दिस इज ईजी मनी रिलायबल मनी बहुत आराम से इतना सारा पैसा मिल जाता है तो वो इसको कभी भी कट करने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो लास्ट सम टाइम से सेंटर और स्टेट दोनों के पास पैसों की कमी चल रही है और पेट्रोल डीजल एक ईजी ऑप्शन है टैक्स लगाने का तो दैट इज़ वाई दोनों गवर्नमेंट इस मूड में नहीं रहती है चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में वो अपना टैक्स उसमें कम करे तो ये एक रीज़न है कि इंडिया में जो प्राइस जो होता है एंड यूजर में वो ऑलमोस्ट टू टाइम्स हो जाता है उसका रियल क्रूड प्राइस का बिकॉज इतने सारे उसमें चार्जेस लग जाते हैं सो दिस इज हाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग द पेट्रोल टैक्स अब जो नेक्स्ट है वो है दिल्ली शुड बी अंडर सेंटर्स कंट्रोल दिल्ली एक्चुअली कंट्री का भी कैपिटल है तो यहाँ हमेशा से कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं इट डजेंट मैटर कि विच गवर्नमेंट इज एट द सेंटर दिल्ली को कोई भी रिलीज नहीं करना चाहेगा दिल्ली वो हमेशा अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं बिकॉज दिल्ली नेशनल कैपिटल है इसमें वी वी आई पी मूवमेंट हो रहे हैं सो मैनी थिंग्स तो लॉ एंड ऑर्डर सेंटर अपने पास रखने की हमेशा ट्राई करता है दिस इज रेजिंग इन फरनो अप इन फ्लेम्स ये है भलसवा लैंडफिल यहाँ दो तीन दिन से अभी आग चल रही है और ये पॉल्यूशन का भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है डिजास्टर भी दिस इज द डेंस क्लाउड्स ऑफ स्मोक दिस भलसवा लैंडफिल पे तो अब ये तो लैंडफिल की जो आग है इसको इमिजिएटली डोज ऑफ करना चाहिए साइमल्टेनियसली वी नीड टू थिंक कि हम क्या सॉल्यूशंस निकालें ये जो कचरे के ऐसे पहाड़ बन जाते हैं हर शहर के बाहर सो दिस इज दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू देन नेक्स्ट है दिस इज नेक्स्ट पेज पिंट साइज जम्बो ये है ऑन अ रोल काफ है ये एलिफेंट केरला में साइना श्योर ऑफ ऑल आइजिस का क्या मतलब होता है बताइए वॉट डिसम स्ट्रीम इन साइड दिस फॉरेस्ट लास्ट ईयर सो सी दिस इज रियली रियली गुड आर्क्योलॉजिकल म्यूजियम इन आंध्रा टू डिस्प्ले फोर हंड्रेड आर्टिफेक्ट आर्टिफेक्ट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे एस एस एल वी डेवलपमेंट फ्लाइट लाइकली टू टू इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दिस इज इम्पॉर्टेंट ये क्या है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्पेस में अभी दो थीम चल रही है एक तो प्राइवेट प्लेयर प्राइवेट प्लेयर का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है दूसरा डेमोक्रेटाइज करना है कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है स्पेस एक्सप्लोरेशन को बिकॉज स्पेस इज नेक्स्ट बिग थिंग तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होप कर रहा है तीन डेवलपमेंट फ्लाइट्स प्लैंड है बेबी रॉकेट्स है ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होंगे एस एस एल वी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में इनका डेवलपमेंट अभी अप्रूवल है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टारगेट है इनका लॉन्च होना चाहिए लॉन्च कहाँ से होता है लॉन्च होता है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से डेवलपमेंट फ्लाइट एक्सपेक्टेड है जून में ये जो अब स्मॉल स्केल है ना तो इनका कॉस्ट कम होगा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे तो चीपर ऑल्टरनेटिव मिलेगा जो स्मॉलर पेलोड है अभी बहुत सारे जो प्राइवेट कंपनीज हैं स्टार्टअप्स हैं वो भी अपनी सैटेलाइट भेजना चाहते हैं तो वो इन एस एस एल वी के थ्रू सैटेलाइट्स को हम पार्क कर पाएंगे स्पेस में तो ये लॉन्च ऑन डिमांड होगा चीपर ऑल्टरनेटिव होगा स्मॉल पेलोड को ऑर्बिट में प्लेस करने का मल्टीपल माउंटिंग्स में नैनो माइक्रो स्मॉल सैटेलाइट्स भी हो जाएगी विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ इट लॉन्च व्हीकल लॉन्च ऑन डिमांड है स्मॉलर सैटेलाइट इससे लॉन्च हो पाएगी कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा बाकी एस एस एल वी भी थ्री स्टेज रॉकेट होगा थर्टी फोर मीटर इसका हाइट होगा एक सौ बीस टन इसका वेट होगा बाय कम्पेरिजन पी एस एल वी देखें अब ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है ये हमारा वर्क हॉर्स है दिस इज अ वेरी रिलायबल वर्क हॉर्स तो ये फोर्टी फोर मीटर होता है टेन मीटर हाइट कम हो गया तीन सौ बीस टन होता है दो सौ टन वेट कम हो गया तो इस तरीके से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो थीम वही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाना है डेमोक्रेटाइज करना है स्पेस को और फुल थ्रॉटल स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाना है बिकॉज ये जो स्पेस एक्सप्लोरेशन की जो इकोनमी है ना ये अभी अनटैप्ड है और इंडिया को इसमें अर्ली बर्ड एडवांटेज है इंडिया को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए स्पेस को अगर हम अच्छे से अपनी स्ट्रेंथ डेवलप कर लेना तो लाइक like हम अनस्टॉपेबल रहेंगे और बहुत अच्छी पोजिशन पर रहेंगे इन अपकमिंग टाइम्स सो हमें स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहिए या स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डंकीज मिल्क वर्क्स अप अ लेदर सो दिस इज पेज नंबर फाइव अब नेक्स्ट है एडिटोरियल प्रिवेंटिंग प्रोएक्टिव इंटरवेंशन है इज नीडेड टू स्टॉप स्प्रेड ऑफ हेट एंड एंडफ्लेमेटरी स्पीचेस दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड हेट एंड इनफ्लेमेटरी स्पीचेस देन द ब्लू प्रिंट दिस इज पॉलिटिकल बिल्डिंग बैक टू अवॉर्ड अ लर्निंग कैटस्ट्रॉफी कैटस्ट्रॉफी कोविड नाइनटीन हुआ ऑल ऑफ अ सडन स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए तो ये एक बहुत बड़ा कैटस्ट्रॉफी था गवर्नमेंट इन स्कूल्स पर फोकस ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो स्कूल एजुकेशन में होता है वो होता है लर्निंग रिकवरी हम डे वन से बात करते हैं एजुकेशन का मतलब होता है क्वालिटी होनी चाहिए उसमें और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि दिस इज द लाइक अ बिजनेस एजुकेशन जो होता है यू आर डीलिंग इन द लाइफ ऑफ सो मेनी यंग पीपल यंग पीपल सो दैट इज वाई एजुकेशन सेक्टर में एडेड रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ऑन टीचर्स एडेड टीचरिटी बिकॉज एजुकेशन मतलब यू आर शेपिंग देयर थॉट्स दिस इज विद रेस्पॉन्सिबिलिटी तो यूनेस्को और यूनिसेफ ने बोला वर्ल्ड बैंक ने भी बोला द स्टेट ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस रिपोर्ट आया अ पाथ टू रिकवरी December 2021 में आया और 21 महीने तक पेंडेमिक में स्कूल कॉलेजेस बंद रहे 224 दिन ऑन एवरेज क्लोज रहे दिस इज ह्यूज दो साल तक अगर स्कूल कॉलेजेस बंद रहे तो इधर लर्निंग आउटकम कितना कॉम्प्रोमाइज हुआ और एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि चार किताबें पढ़ ली उससे रट के चार एग्जाम लिख दिए एंड यू आर नोट एजुकेटेड एंड क्वालिफाइड नो देर आर सो मेनी अदर अदर थिंग्स यू लर्न फिस्ट इन टोटेलिटी मेक्स यू एन एजुकेटेड पर्सन So, यहाँ जो स्कूल्स होते हैं स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं सिखाते हैं तैयार करते हैं इनका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके फ्यूचर को शेप करने में अब प्रॉब्लम क्या हुआ पहला प्रॉब्लम तो ये हुआ अब पैंडेमिक हो गया बट अब हमें रिकवरी करनी है रीओपनिंग जो स्कूल की हो रही है तो अब ये देखा जा रहा है कि सारे बच्चे वापस नहीं आ रहे बहुत बड़ा इसमें हमने केस देखा था एक जो जेंडर डिफिकल्टी भी आई थी बहुत सारे गर्ल स्टूडेंट्स के ड्रॉप आउट्स हो गए हैं स्कूल से सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग सेकेंड अगर गर्ल स्टूडेंट घर पर है तो अक्सर ये डिफिकल्टी देखी गई कि उनको डोमेस्टिक वर्क में लगा दिया जाता है विच इज़ अगेन रॉन्ग स्कूल में जैसे प्रिपरेशन हो रही है तो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो उसको सेम सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन से पढ़ना चाहिए तो ये एक डिफिकल्टी हुआ जो इनहरेंट प्रॉब्लम है हमारी पैट्रियार्की में इससे देखने को मिला सेकेंड ये हुआ कि कई दफ़े ये भी देखा गया कि लेस देन एटीन दिस मैरिज भी हो गया सी मैरिज का मिनिमम एज होता है ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ईयर इज द मिनिमम एज चाहे वो गर्ल है या बॉय है ट्वेंटी वन ईयर इज द मिनिमम एज ट्वेंटी वन मिनिमम एज होना इज अ वेलकम मूव गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसको अपडेट किया है पहले एटीन था अब ये बढ़ के ट्वेंटी वन हो गया है फॉर गर्ल एंड बॉयज़ के लिए भी ट्वेंटी वन है दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आगे भी हम देखेंगे कि एडोलसेंस होता है बॉडी ग्रो होती है मेचोरिटी आती है थॉट प्रोसेस होता है आपका एजुकेशन कम्प्लीट हो पाता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती है सो दिस इज़ अ वेलकम मूव मैरिज में भी ऐसा होता है मैरिज इज नॉट लाइक कि हम अगेंस्ट मैरिज हो द पॉइंट इज कि एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट होती है करियर भी इम्पॉर्टेंट होता है एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट है करियर भी इम्पॉर्टेंट है सो दैट इज़ वाई इसका कोई जेनेरिक आंसर नहीं होता है केस बाय केसेस होगा बट इन जनरल एजुकेशन जो है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एजुकेशन जो है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए एजुकेशन में बिकॉज बहुत पावर है दिस विल यू दैट इज वाई आई कीप ऑन टेलिंग यू सिंस डे वन स्टडी फुल थ्रॉटल अच्छे से पढ़ाई करो अच्छे से एग्जाम्स निकालो दिस विल एम्पावर यू इन द रियल सेंस सो दिस इज वॉट वी नीड टू फोकस सेकेंड सेकेंड जो चीज होता है वो होता है लर्निंग लॉस अब ऐसा भी नहीं है देर आर मैनी पीपल जो मैरिज के बाद भी बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाई किया है बहुत अच्छे से उन्होंने एग्जाम निकाला है दैट इज वाई सेट कीस बाई केस बेसिस पे होता है बट द आइडिया इज मैरिज और लाइक डिलेड दोनों केसेस में एजुकेशन और जो आप अपना वर्क है करियर है डो नॉट कॉम्प्रोमाइज दिस जितना हो इनको हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए पढ़ना चाहिए दिस इज इम्पॉर्टेंट देन सेकेंड लर्निंग लॉस जो होता है ड्यूरिंग द लास्ट टू ईयर ये ह्यूमोंगस हुआ है लर्निंग रिकवरी शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट तो लर्निंग रिकवरी यहाँ पे हम करें थर्ड पैंडेमिक जो है अगर रियर व्यू मिरर में देखें तो इंडियन स्टेट रीअसेस करें चैलेंजेस स्कूल एजुकेशन में क्या आ रहा है दूसरी एक और जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो आ रही है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ स्कूल एज चिल्ड्रन में भी इतना प्रेशर अब वो फेस करने लग गए हैं कि दे हैव स्टॉप्ड एंजॉयिंग देयर स्कूल लाइफ एंड दिस हाइपर कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड हो गया है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है पंद्रह साल के बच्चे हैं और एक करोड़ का पैकेज कैसे लग रहा है इस बात पे वो लोड ले रहे हैं तो द पॉइंट इज कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ओवर कमर्शलाइज कर रहे हैं चीजों को ये डिप्राइव कर रहा है स्टूडेंट्स को फ्रॉम देयर लर्निंग एंड ग्रोथ सो ये भी एक इशू है और इससे क्या है? होता है बर्न आउट होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती हैं ऑब्वियसली मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे बर्न आउट होगा ये चीज़ अब स्कूल एज चिल्ड्रन में भी देखने को मिल रहा है तो इस जगह भी प्रॉपर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है फिफ्थ है मिड डे मील सर्विसेज में रिज्यूम्ड आफ्टर अ गैप ऑफ टू ईयर अब मिड डे मील स्कीम क्यों इंपॉर्टेंट थी बिकॉज बच्चों को यहाँ पे न्यूट्रिशनल फूड भी मिलता है और वो न्यूट्रिशनल फूड उनकी ग्रोथ एंड एजुकेशन के लिए डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है स्कूल बंद तो मिड डे मील भी बंद तो इससे जो हंगर इंडेक्स है वो भी हमने देखा डिफीट हुआ मल न्यूट्रिशन बढ़ा तो दिस इज ऑल्सो न्यूट्रिशनल स्टेटस को रिकवर अब इट इज टाइम टू सपोर्ट टीचर्स एज वेल इनोवेटिव अप्रोचेस हो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पे काम करे ताकि एजुकेशन जो है वो उसका फील्ड एक्सप्लोर हो और क्वालिटी एजुकेशन हम यहाँ पे इम्पार्ट करा पाए एजुकेशन में क्वालिटी होना जरूरी है अफोर्डेबिलिटी होना जरूरी है एक्सेसिबिलिटी होना जरूरी है एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी और ये किसी एक का काम नहीं है इट इज अ कलेक्टिव वर्क सिविल सोसाइटी पेरेंट्स टीचर्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवरीबडी दे नीड टू वर्क टूगेदर इंडिया में अगर एक और प्रॉब्लम होती है हमारे पास सारा पैसा होता है बट एजुकेशन के लिए जब बात आती है तो हमारा बजट कट शॉर्ट हो जाता है दिस इज अगेन अ वेरी बिग प्रॉब्लम अगर आप स्पेंड कर रहे हो एजुकेशन में उससे आपको बेनिफिट मिल रहा है तो दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स को भी मैंने पहले बताया था अगर चीजें आउटसोर्स कर रहे हो जिस चीज से आपका काम आसान हो रहा है तो उधर एक्सपेंडिचर नहीं देखना चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट यू आर पुटिंग ऑन योर एजुकेशन तो सिमिलरली हम जीडीपी में केवल थ्री परसेंट हम एजुकेशन का हम जीडीपी में दे रहे हैं दिस नंबर इज़ वेरी लो इसको बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है तीन परसेंट जीडीपी का अगर एजुकेशन में जा रहा है तो दिस इज अगेन लो सेकंड जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन हो रहा है तो दिस आल्सो रेजेस सम कंसर्न्स कि बिकॉज़ यू नो अगर इस तरीके से अगर ओवरट कमर्शियलाइजेशन हो रहा है तो दिस आल्सो टेल्स कि जो स्कूल रेगुलर स्कूल है वहां पे एजुकेशन नहीं मिल पा रही है तो दिस इज आल्सो वन थिंग जहां पे एड्रेस करने की जरूरत है कि रेगुलर स्कूल्स में क्यों नहीं पढ़ाई हो पा रही है ताकि हमें ट्यूशन एंड एटसेट्रा की तरफ भागना पड़ रहा है तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग देन लर्निंग जो है पैंडमिक में बहुत सारी दूसरी भी हुई है लाइक हैंड वॉशिंग करें सोप एंड वाटर से टॉयलेट फैसिलिटीज हो एक आर्टिकल आया था हाफ बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं बहुत सारे जो स्कूल्स एट्सेट्रा हैं इवन रूरल एंड रिमोट एरियाज में गर्ल स्टूडेंट्स वहाँ पे इसलिए नहीं एनरोल हो पा रही है बिकॉज वहाँ पे हम एक बेसिक टॉयलेट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे सो दिस अगेन टेल्स कि यहाँ एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कराना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है रूरल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स में भी री लर्निंग रियल लर्निंग डज नॉट हैपन इन द फोर वॉल अगेन फोर वॉल्स ऑफ होम्स में नहीं होती है ऑनलाइन क्लासेस में नहीं होती है टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा अब इंपॉर्टेंट हो गया है स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए रियल वर्ल्ड में गवर्नमेंट पेरेंट्स कॉम्युनिटीद मोरल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजुकेशन जो हो वो क्वालिटी एजुकेशन होना जरूरी है बिल्डिंग बैक टू अवर a लर्निंग to so catastrophe. देन जो नेक्स्ट है वो है हार्ड ट्रुथ फ्रॉम द रूबल रबल ऑफ कॉम्यूनल कॉन्फ्लेग्रेशन एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू हाइड्रोजन प्राइमरली यहाँ पे हाइड्रोजन को पुश किया है जो कल परसों ही हमने पढ़ा था हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं उसको ज्यादा हम एक्चुअली हाइड्रोजन फ्यूल में दो चीज होती है एक तो होता है कि हमने उसका लिमिटेड टेस्ट कर लिया दूसरा होता है इकोनॉमी ऑफ स्केल कोई भी प्रोडक्ट होता है वो प्रोटोटाइप से कमर्शियल सक्सेस तब बनता है जब वहां पे इकोनॉमी ऑफ स्केल आता है और वो मतलब कम फिजिबल हो पाता है वो मास स्केल एडोप्शन उसका हो पाता है और रीच हो पाती है उसकी तो वो हाइड्रोजन में अभी डिफिकल्टी है टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं हुई है तो यहाँ फोकस होना चाहिए सोशल डायलॉग फॉर सेफ वर्क प्लेस दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेफ वर्क प्लेसेज होना इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट देन रेन एंड शाइन ज डिजिटल एडवांसमेंट यहाँ बात है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान आज मैं इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर टू का पीडीएफ भी शेयर करूंगा और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स का कंपाइलेशन भी शेयर करूंगा ओके दो चीज पॉजिटिवली आई एल शेयर टूडे इफ नॉट रिमाइंड मी ये दो चीज आज मैं पॉजिटिवली करूंगा प्रधानमंत्री गरीब डिजिटल साक्षरता अभियान तो ये लिटरेसी है यूनियन मिनिस्टर मैम ने बताया यहाँ पे पी जी दिशा एम्स टू एमपावर पीपल इन रूरल एरिया टैबलेट स्मार्टफोन ई मेल कैसे भेजना है रिसीव कैसे करना है इंटरनेट कैसे यूज करना है एक्सेस कैसे करना है गवर्नमेंट सर्विसेज का बिकॉज यू नो ये एक डिजिटल लिटरेसी है जैसे पहले होता था ना लिखना पढ़ना आता है तो आप साक्षर हो आज की डेट में अगर आपको बेसिक कंप्यूटर चलाना नहीं आता है तो अगेन आप इलिटरेट कहे जा रहे हो मॉडर्न डे इलिटरेट वाई बिकॉज़ ऑल वर्क अब जरूरत है इन सब चीजों की बेसिक बेसिक चीजें आपको डिजिटल लिटरेसी आनी चाहिए तो ये भी एक चीज़ है डिजिटल लिटरेसी एक और अच्छा आर्टिकल आया था डिजिटल लिटरेसी में पता है जो सीनियर पीपल हैं वहां ज्यादा डिजिटल इन लिटरेसी है सो दैट इज वाई जो यूथ है एस्पेशली आपको भी ये करना चाहिए ट्राई टू ट्रेन योर पेरेंट्स एल्डर्स उनको बताओ कि ये कैसे चलता है व्हाट्सएप में जो भी आता है वो सच नहीं होता है उसको ऐसे ही फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए ऐसे कोई भी बहुत सारा जो डिजिटल एजुकेशन है ट्राई टू इम्पार्ट दैट एजुकेशन डिजिटल एडवांसमेंट ये सब चीज़ें डिजिटल लिटरेसी होना जरूरी है रशिया कट्स बिकॉज यूजअली जो न्यू एज है वो ज़्यादा फैमिलियर होते हैं तो दे कैन ईजिली लाइक टीच एंड एक्सपैंड दिस लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी डिजिटल एडवांसमेंट रशिया कट्स ऑफ लॉन्चिंग एस्ट्रोनॉट स्पेस एक्स नासा, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये है इंडोनेशिया का पाम ऑयल एक्सपोर्ट बैन, इंडोनेशिया का पाम ऑयल इंडोनेशिया पाम ऑयल एक्चुअली इक्वेटोरियल क्रॉप है इक्वेटोरियल क्रॉप पाम ऑयल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये हम इम्पोर्ट कराते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्ट बिल बढ़ रहा है पाम ऑयल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज पाम ऑयल हम अंडमान निकोबार में भी और से नॉर्थ ईस्ट में भी ह्यूज स्केल में हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं पाम ऑयल इंडोनेशिया जो होता है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का बैन कर रहा है एक्सपोर्ट ऑफ कॉमोडिटी बिकॉज उसको डोमेस्टिक शॉर्टेज हो रहा है कुकिंग ऑयल वगैरह का स्काई रॉकेट हो रहा है अब इस एक्सपोर्ट जो शॉर्ट होगा तो उससे हमारा इम्पोर्ट एक्सेट्रा भी इम्पैक्ट हो जाएगा हमें भी शॉर्टेज होगा पाम ऑयल का तो ड्यू टू शॉर्ट सप्लाई ऑफ ऑल्टरनेट वेजिटेबल ऑयल लोअर देन एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ सेकेंड बिगेस्ट पाम प्रोड्यूसर मलेशिया पैंडमिक के कारण लेबल लेबर शॉर्टेज है ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन है यूक्रेन क्राइसिस हो गया क्रूड पाम ऑयल की प्राइसेस भी बढ़ रही है तो इंडोनेशिया ने कहा कि अब हम हम पाम ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करेंगे पाम ऑयल को हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हम रीरूट करेंगे सो so, इससे क्या होगा इंटरनेशनल मार्केट और स्पेशली इंडिया जो बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का यहाँ डिफिकल्टी फेस होनी चाहिए हो सकती है सो दैट इज वाई हमको भी सेल्फ रिलायंट बनना है और ये जो मिशन है पाम ऑयल हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में और अंडमान निकोबार में भी इसको हमें एक्सपीडिशियसली आगे बढ़ाने की जरूरत है देन ये है एट द एंड ऑफ द रोड द स्टेटस ऑफ द फ्यूचर ग्रुप स्टेटस ऑफ द फ्यूचर ग्रुप फ्यूचर ग्रुप का स्टोरी ये है कि फ्यूचर ग्रुप जो है ये लाइक like बिग बाजार एट्सट्रा ये लॉस मेकिंग चल रहा था लॉस मेकिंग चल रहा था फ्यूचर ग्रुप जो है फ्यूचर ग्रुप ने एक उसका स्टेक है फ्यूचर कूपन फ्यूचर कुपॉन क्या है ये प्रमोटर ग्रुप है फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर कूपन तो फ्यूचर ग्रुप है उसका एक प्रमोटर है फ्यूचर कूपन तो फ्यूचर ग्रुप को पैसे की जरूरत थी तो उन्होंने फ्यूचर कूपन को फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक अमेजॉन को बेच दिए फ्यूचर कूपन के अब क्या हुआ और पैसे की जरूरत पड़ रही है तो तो इसके टाइम पे जब और पैसे की जरूरत पड़ी फ्यूचर तो ग्रुप ने अपना पूरा ग्रुप ही बेच दिया रिलायंस रिटेल को दिस चौबीस हजार सात सौ तेरह करोड़ पे अब फ्यूचर ग्रुप का एक प्रमोटर था फ्यूचर कूपन जिसमें फोर्टी नाइन परसेंट स्टेक थे अमेजॉन के और फ्यूचर ग्रुप इसने बेच दिया रिलायंस को तो अमेजन ने बोला इस डील में ऐसी कंडीशंस थी कि पहला जो राइट टू रिफ्यूजल वो अमेजोन को मिलना चाहिए था रिलायंस को बेचने से पहले अमेजोन से पूछना था बिकॉज अमेजोन भी यहां पे एंटिटी यहाँ पे होल्ड कर रहा था स्टेक कर रहा था वाया दिस फ्यूचर कूपन इस बात पे डिबेट होता है डिस्कशन होता है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जाता है वहां डिसीजन आते हैं फिर इंडियन हाईकोर्ट कोर्ट डिसीजन सुनाती है ओवरऑल ये डिसीजन जो जाता है वो जाता है इन फेवर ऑफ रिलायंस अब रिलायंस ये डील हो गया कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड में इसको खरीदेगा अब क्या होता है फ्यूचर ग्रुप में जब खरीदने की बात आती है तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 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 वो वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट 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 कर 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 देते कर देते कर देते सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अब इसको हैं तो रिलायंस अब इसको खरीद नहीं पा रहा है लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं ट्रांजेक्शन में क्लैरिटी नहीं है तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने मना कर दिया इसको रिलायंस अब इसको खरीद नहीं पा रहा है दिस इज द प्रॉब्लम तो अब रिलायंस नहीं खरीद पा रहा है और जो फ्यूचर ग्रुप है उसके पास ऑलरेडी अब कैश इतना है नहीं उसके पास लिक्विडिटी है नहीं तो अब फ्यूचर क्या होगा फ्यूचर ग्रुप का ये हो गया है बहुत ब्लीक दो मेजर ग्रुप कंपनीज ऑफ द फ्यूचर ग्रुप एंड फ्यूचर रिटेल एंड फ्यूचर एंटरप्राइजेस अब यहाँ पे होगा इनसोल्वेंसी प्रोसीडिंग अंडर द आई बी सी बिकॉज अब ये डिफॉल्ट करने लग गए हैं पेमेंट टू क्रेडिटर अब ये पैसे चुकाने की स्थिति नहीं है तो इनसॉल्वेंसी अब यहाँ पे हो जाएगी रिलायंस अक्वायर करने वाला था रिटेल एंड वेयर हाउसिंग को चौबीस हजार करोड़ पे और जो सिक्योर क्रेडिटर्स हैं उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया इससे पहले जो लीगल बैटल हुआ था जो भी अमेजोन का देखा वो भी बिग ब्लो था कैश स्ट्रैप्ड फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस ऑनरशिप इसका चाह रहा था तो ओवरऑल अब इसका फ्यूचर बड़ा प्लीक नजर आ रहा है यहाँ पे फ्यूचर रिटेल एंड ऑल का ओके okay, तो दिस इज द अस सी अभी अब यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है लेट अस सी

फिर जो पेरेंट्स एंड ऑल प्रॉपर दिस ग्रूमिंग हो तो विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड अ लुक एट चाइल्ड एंड हेल्थ हेल्थ केयर केयर सिस्टम सिस्टम सो ये बुलवर्क होगा फ्यूचर ईजिंग द पैसेज ऑफ देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी द दाइए प्रायोरिटी ईजिंग द पैसेज फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट शुड बी द दाइएस्ट प्रायोरिटी सो दिस इज अगेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स एल्डर्स की अ लुक एट द चाइल्ड एंड अडोल्स हेल्थ केयर सिस्टम तो पैंडमिक में ये भी एक प्रॉब्लम हुआ है पैंडेमिक के कारण सब जगह इम्पैक्ट आया है इतना आइसोलेशन में रहने से अलग मेंटल एंड दिस हेल्थ इश्यूज भी आते हैं सो द पॉइंट इज यहाँ पर इनको एक सुपरविजन एंड दिस दिस में यहाँ पे होना चाहिए नो योर इंग्लिश नो योर इंग्लिश में आ जाए कि वट इज द मीनिंग ही इज पुशिंग फिफ्टी ही इज पुशिंग फिफ्टी मतलब ही इज अप्रोचिंग फिफ्टी बट ही इज पुशिंग सेवेंटी ही इज स्ट्रॉन्ग अलर्ट तो मतलब आप इस एज को अप्रोच कर रहे हो तो ही इज पुशिंग फिफ्टी डिफरेंस आर्ग्यूमेंट और क्वारल में क्या होता है आर्ग्यू कर रहे हो मतलब आप अपना प्रेजेंट कर रहे हो केस और रीजन आर्ग्यूमेंट इज बैड इज ओके आर्ग्यूमेंट इज गुड आप अपना जो भी व्यू पॉइंट है केस है reasons है उसको पोलाइटली आप बताओ आर्ग्यूमेंट करो बट क्वारल इज बैड क्वारल मतलब आप अपने टेम्पर लूज कर लिया है एंड यू हैव हैल क्वारल इज रॉन्ग आर्ग्यूमेंट यहाँ पे होना चाहिए बुक भी है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन

हम इंटेंस इंटेंसिव क्या डिफरेंस होता है इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग इन क्वालिटी ऑफ फीलिंग होता है जैसे द हीट इज इज इंटेंस कॉफी इंटेंस शी इज वेरी इंटेंस पर्सन इंटेंसिव का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ एक्सटेंसिव जैसे इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है हमारे यहाँ और एक एक्सटेंसिव कल्टिवेशन भी होता है तो इंटेंसिव कल्टिवेशन मतलब छोटे से एरिया में बहुत सारा इनपुट आप डाल रहे हो और वहाँ पे क्विकली क्रॉप ग्रो हो रहा है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग जो बहुत डिटेल में आप कर रहे हो तो वो इंटेंसिव हो गया इंटेंसिव एग्रीकल्चर सो ये कुछ बेसिक इंग्लिश के दिस रूल्स हैं ओके नाउ जो नेक्स्ट है वो है बर्थ डेथ रिपोर्टिंग टू बी ऑटोमेटेड ये बहुत जरूरी है बर्थ डेथ ये जो होता है ये कहलाता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स कंट्री का वाइटल स्टैटिस्टिक्स तो अभी सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को मर्ज करने का लिंक करने का बात है ताकि ऑटोमेटिकली सारा डेटा वहाँ पे आते जाए और एन हमारा अपडेटेड रहे क्योंकि कोविड नाइनटीन में भी हमने देखा बहुत सारी जो डेथ्स हुई उसका कोई रिपोर्टिंग नहीं है डेटा नहीं है एट्सेट्रा ये डेटा होना बहुत ज़रूरी है बर्थ एंड जो डेथ्स हो रही हैं उसका डेटा ऑटोमेटेड होगा तो इसमें डिस्क्रिपेंसी नहीं आएंगी लेबर कोड्स जल्द ही रोल आउट होने वाले हैं देन प्लान फॉर 4G अपग्रेड इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया यहाँ जो अप्रोच है वो ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना जरूरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस यहाँ पे दिखनी चाहिए तो एक फंड होता है यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड होता है यू इस फंड का यूटिलाइजेशन होता है इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड कराना रिमोट एरिया में तब फोर जी सर्विस भी एल एरिया में हम यहाँ पे पहुंचाएंगे और ऑब्वियसली इसमें बी का इम्पोर्टेंट रोल होगा तो बी एस एन एल यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग इंटरनेट का सर्विस यहां पे प्रोवाइड करेगा तो गुड गवर्नेंस इज द सोल्यूशन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो सोल्यूशन है वो है गुड गवर्नेंस सो दिस इज देन पीएम टू थ्री नेशन टूर इन द फर्स्ट वीक ऑफ मई जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस वो विजिट करेंगे जर्मनी की कैपिटल क्या है डेनमार्क की कैपिटल क्या है और फ्रांस की कैपिटल क्या है ओके जर्मनी डेनमार्क और फ्रांस फ्रांस के नए प्रेसिडेंट कौन है जर्मनी में भी अभी नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं डेनमार्क के भी हेड बताइए ओके सो दिस इज़ यूक्रेन डूइंग बेटर एट अ टैक्टिकल लेवल सी ये जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ है ना अभी इसने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दी है पूरा वर्ल्ड की जो फोर्सेज है आर्म फोर्सेज है इवन हमारी भी आर्मी नेवी एयरफोर्स एवरीबडी बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रही है और सीख रही है कि कहाँ वॉर के टाइम पे कैसे बेटर प्रिपेयर होना चाहिए एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए इट इज नॉट ऑल अबाउट नंबर्स टैक्टिकल लेवल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पब्लिक सेंटिमेंट्स मोरल कैसे बूस्ट किया जाता है ये सारे लेवल्स जो होते हैं ना वॉर में ये भी बड़े क्रूशियल है तो यहाँ डिस्कशन है जैसे नेवी चीफ वॉर कंसर्नज एम्पलीफाइड बाय चाइनाज कमेंट ये यूएस के एडमिरल ने कहा जम्मू एंड कश्मीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अप्रूव हो गए हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एच ए एल बिगिन एयर फ्रेम फटीग एक्चुअली ये जो बहुत पुराने प्लेन हो जाते हैं ना तो मेटल का भी फटीग होता है उसका भी एक लाइफ होता है तो अगर मेटल फटीक हो रहा है तो वो प्रोन हो जाता है एक्सीडेंट के लिए तो एयर फ्रेम फटीक टेस्ट हो रहा है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में एट टू नाइन ईयरस देन दिस इज रशिया स्टॉप गैस सप्लाई टू नेटो नेशंस यूरोपियन लीडर्स decry द मूव टू बोल रहे हैं रशिया ब्लैकमेल कर रहे हैं अब एक तरफ ये वेपन सप्लाई कर रहे हैं दूसरी तरफ इनको गैस भी चाहिए तो मतलब यूरोपियन जो है कंट्रीज इनका भी डबल स्टैंडर्ड है यहाँ पे यूरोपियन लीडर्स डिक्राई द मूव एज ब्लैकमेल देन दिस इज चाइना रिपोर्ट सी दिस इज अनादर प्रॉब्लम चाइना रिपोर्ट फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ दिस एच थ्री एन एट बर्ड फ्लू रिस्क ऑफ़ स्प्रेड पीपल इज लो ना दिस इज दिन है ना इसको मैंने डे वन से पढ़ा है कहा कि जो कोई दिक्कत की बात नहीं है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न हमें नहीं बताना है चाइना ने कहा कि ये तो एनिमल का वायरस है ये तो ह्यूमन में आ ही नहीं सकता ऐसे स्टेटमेंट आते थे कोविड नाइनटीन के फिर चाइना ने कहा कि दिस इज़ नॉट लाइक ये स्प्रेड नहीं होता है देर इज नथिंग टू वरी फिर रातों रात यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनने लग गए दस पंद्रह दिन में उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना लिए तब वर्ल्ड थोड़ा पैनिक किया तब भी डब्ल्यू का आता रहा स्टेटमेंट कि फ्लाइट भी बैन नहीं होगा कुछ नहीं होगा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं दिखाई जो जो कंडक्ट था वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था फिर फिर अचानक से फिर केसेस बढ़ते हैं और फिर पैनिक होता है फिर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है सो दिस इज अगेन ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है प्लस यहाँ की जो वुहान लैब है इस पे भी क्या रोल है क्या कोविड नाइनटीन का वायरस लैब मेड था या नेचुरल था इससे बहुत सारे सवाल है फर्टिलाइजर मूव कम्स अमिट ग्लोबल प्राइस सर्च सेंटर एनहेंसिस एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन मैं बहुत बार बोलता हूँ ना वेट लेट्स वेट एंड वॉच बिकॉज आई नो इसका स्टोरी अभी कुछ ही दिनों में फिर चेंज हो जाएगा तो डुप्लीसिटी हो जाती है बहुत ज्यादा सो दी चलना चाहिए हमें बॉल बॉल कमेंट्री नहीं करना चाहिए वरना बहुत होती है की। तो ये जो यूरिया फर्टिलाइजर है इसको एनहेंस किया गया है सब्सिडी टाटा एयर इंडिया बाय कर रहा है एयर एशिया स्टेट्स अर्ज टू स्टेप अप कोल इंपोर्ट अब ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कोल कोल का शॉर्टेज हो रहा है और हम डिपेंडेंट है कोल एनर्जी पे फॉर अवर इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट स्टेट्स अर्ज टू स्टेप अप और कोल इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं जैसे अलूमिनियम नालको का केस देखा वहां भी कोल की जरूरत है सो दिस इज मारुति अब रूरल मार्केट को टारगेट कर रहा है एक्सपेंशन पोस्ट बैंक को इतने करोड़ का फंडिंग मिला देन दिस इज स्पोर्ट्स ओके सो दिस इज द हिंदू न्यूज पेपर नाउ लेट इज कम टू आंसर डिस्कशन ये डिस्कशन है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के ओके okay? इसको सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट करते हैं सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट सो दीज आर क्वेश्चंस क्वेश्चन दो ये थे पहला था अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल टॉपिक तैयार करना था और मेजर ओशनिक करेंट्स पे भी एक नोट बनाना था इसका मैंने डायग्राम भी एक शेयर किया है मैप और आज सुबह जीएस रिवीजन में भी इसको पढ़ा था दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट सो दिस इज प्रियंका वंस अगेन वर्क अटॉर्नी जनरल अब अब सी इससे एक एमसीक्यू बन जाएगा पॉवर्स प्रिवलेजेस एंड इम्यूनिटी अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कैसे होता है टर्म ऑफ ऑफिस क्या है ड्यूटीज क्या सी सो स्ट्रक्चर्ड सम अदर फैक्ट्स अब हमने करंट अफेयर्स की भी यहाँ पे एक लेयर डालने का ट्राई किया फिर एक सॉलिसिटर जनरल प्रिपेयर किया फिर सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल इनसे अटॉर्नी जनरल अपॉइंटमेंट कैसे होता है ड्यूटीज फंक्शन क्या है फिर अटॉर्नी जनरल का क्या अजाइंड ड्यूटी है राइट्स एंड लिमिटेशन गुड सॉलिसिटर जनरल भी हो गया तो बेसिकली हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया एडवोकेट जनरल भी हो गया अपॉइंटमेंट ड्यूटीज बहुत अच्छे से लिख रहे हो आपका राइटिंग भी बहुत अच्छा है वेरी नाइस प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है कंटेंट भी बहुत अच्छा है सो so इसको अब जो भी हमने इतने टाइम पे लिखा है ना उसको हमें रिवाइज भी करना है सैटरडे संडे रिवीजन बहुत जरूरी है इन सारे कॉन्टेंट का ओशन नाउ लुक एट दिस मैप दिस इज सच अ अफुल मैप वेरी गुड वार्म एंड कोल्ड कलर कोडिंग भी है यहाँ पे एक्सीलेंट प्राइमरी फोर्सेस अब करंट्स कैसे बनते हैं हीटिंग विंड ग्रेविटी कोरियोलिस फिर सेकेंडरी फोर्सेस में डेंसिटी एंड टेम्परेचर वेरी नाइस फिर डेप्थ के हिसाब से डीप सी करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए आपने अमेजिंग दिस इज फिर पूरा आपने टेबुलेट कर लिया वेरी गुड दिस इज रियली रियली गुड सारे ओशंस के आपने करंट यहाँ पे डिसाइड कर लिए जॉब वेल डन वेरी नाइस इसको बस अब रिवाइज करना है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन रत्ना प्रिया आप भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो सी द मैप दिस इज रियली रियली गुड मैप फिर ओशियन करंट क्या होता है स्ट्रक्चरिंग कितनी अच्छी होती है हो, कॉपी की हॉरिजॉन्टली दिस तो यही चीज हम सबको सीखना है कि कंटेंट तो वो ही रहता है कंटेंट तो स्टैटिक है ओशियन करंट का डेफिनेशन और जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ी चेंज होंगे बट हाउ यू आर अप्रोचिंग दैट कॉन्टेंट और उसको लिंक कैसे कर रहे हो सिलेबस में दिस मेक्स द डिफरेंस क्लाइमेट कंडीशन रेनफॉल फॉग दिस इज ऑल्सो गुड कोल्ड एंड वार्म very nice then this is this is इज uh, attorney general and advocate general so देखो ये भी कितना अच्छे से लिखा है अपॉइंटमेंट कैसा होता है अब हम ऐसे तैयार कर रहे हैं ना तो हमारा एम भी बहुत ज्यादा प्रिपेयर हो रहे हैं जो वन लाइनर्स एम सी क्यू इनसे बनेंगे स्नेहल बहुत अच्छी कॉपी है आपकी भी नीट एंड क्लीन अपॉइंटमेंट कैसा हुआ ड्यूटीज वेरी नाइस राइट्स लिमिटेशन एक्सलेंट आर्टिकल्स ड्यूटीज बहुत नीट एंड क्लीन वर्क है रिविजन अच्छे से करना है कुश डे नंबर फोर्टी अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं आर्टिकल्स अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन प्रिविलेज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पेशली उनकी प्रिविलेज बिकॉज साल भर ये काफी न्यूज में रहा है अटोर्नी जनरल एंड दिस वेरी वेरी मच इन न्यूज प्रियंका दिस इज अगेन रियली गुड दिस स्टाइल इज गुड तो मोनोटोनस नहीं होना है हमें कुछ पैराग्राफ बनाने हैं कुछ फ्लो चार्ट बनाने हैं हेडिंग्स डालनी है सब हेडिंग्स डालनी है सी इस तरीके से डायग्राम बनाने वेरी नाइस nice. मैप वर्क बहुत अच्छा है आपका दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इससे सवाल आएंगे टाइप्स वेरी गुड वेरी नाइस प्रियंका दिस इज अगेन रियली गुड मैप वर्क इज योर स्ट्रेंथ दिस इज रियली रियली गुड देन ओशन मैप वर्क आप सबका बहुत अच्छा हो गया आई एम सो हैप्पी टाइप टेम्परेचर वॉटर वॉटर करेंट्स वेरी नाइस दिस इज गुड एंड दिस इज कैनरी ये सारे वन बाय वन लिखने थे और इनको रिवाइज भी अच्छे से करना है रिविजन क्लास और मैप को भी देखना है दिस इज गुड सतेंद्र दिस इज अगेन रियली गुड हिंदी आपकी बहुत अच्छी है और हमारे पास बहुत टाइम भी है हमें लिखना है जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा 143 वेरी नाइस देन आर्टिकल सेवनटी सिक्स एटी एट वन जीरो फोर राज्य का महाभिवक्ता देन आर्टिकल वन सिक्स फाइव वन सेवन सेवन वन नाइन फोर सी दिस मैप दिस इज रियली गुड ये जो चैप्टर है ये जेसी लियोंग में भी बहुत अच्छे से दिया है भी अच्छा है जेसी लियोंग भी अच्छा है दिस इज गुड कौन से कारक होते हैं अब हमें सेकेंड पार्ट को भी बताना था यहाँ पे कि किस तरीके से ये दिशा को प्रभावित महा महासागरी धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक है बट महासागर किस तरीके से जो क्लाइमेट है एड एरिया का उसका इम्पेक्ट करते हैं जैसे पेरूवियन करंट है वो अगर अलिनो में चेंज हो जाता है तो क्लाइमेट वहां का डिफरेंट होने लग जाता है या डेजर्ट है अक्सर हम देखते हैं क्यों रेगिस्तान किस लिए बने उसमें करेंट्स का क्या इम्पोर्टेंट रोल रहा है यह भी प्रिलिम्स का सवाल है तो ये भी एक ध्यान रखना है हमें देन दिस इज शुभम दिस इज रियली रियली गुड सी क्लासिफिकेशन वॉर्म एंड कोल्ड देन दिस इज लोकेशन कैसे अफेक्ट हो रहा है अटॉर्नी जनरल दिस इज रियली रियली गुड वेरी नाइस आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो रिया दिस इज रियली रियली गुड और एडवोकेट जनरल के रोल्स ड्यूटीज करंट अफेयर्स में अभी क्या चल रहा है ये इंपॉर्टेंट है ओके सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं गलत नहीं होने चाहिए दिस इज मैप वर्क रियली रियली गुड जेसी सी लिंगे बहुत अच्छे से दिया है ये और आज जो मैप मैंने फोटोज uh, सेंड किया है मैप्स का ओशन करेंट का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके रश्मि डे नंबर एट आई एम सो हैप्पी सो दिस इज यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं सी कितना स्ट्रक्चर्ड हो गया फिर अपॉइंटमेंट टर्म ऑफ ऑफिस रिमूवल ड्यूटीज एंड फंक्शन एंड लिमिटेशन एडवोकेट जनरल ड्यूटीज राइट वेरी नाइस रियली रियली गुड सागर दिस इज अगेन सो गुड इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट एप सी दिस स्टाइल दिस चार्ट एंड यहाँ पे टैबुलेशन किया है डेप्थ nice. भी है अपॉइंटमेंट कैसे होता है गुड वेरी नाइस सेकेंड मैप नहीं है सेकेंड क्वेश्चन ट्राई नहीं किया दिस इज कविता कविता भी बहुत अच्छे आंसर्स लिख रहे हो योर राइटिंग इज रियली गुड अपॉइंटमेंट टर्म क्वालिफिकेशन सी करो, करो, नंबर कॉपी बहुत होती, नाम right, nice. भी लिख एडवोकेट जनरल अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन नाइस धनाक्षी दिस इज अगेन सो गुड मीनिंग टाइप्स ऑफ दिस फोर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी फिर उससे ओशन करें तो सी कितना आसान है इसको बनाना हम बस फर्स्ट स्टेप हमें डिफिकल्ट लगता है बट एक बार हम फ्लो में आ जाते हैं ना वर्क करने लग जाते हैं फिर हमारा इम्प्रूवमेंट होने लगता है दिस इज रियली रियली गुड और चीजें आसान हो जाती है तो एक्ट अटेम्प्ट देन दिस इज साक्षी डे नंबर टू आई एम सो हैप्पी सो दिस इज मैप दिस इज रियली रियली गुड मैप मैप वर्क इज गुड वन टू थ्री भी बहुत अच्छा सी दिस इज रियली गुड देन टेम्परेचर कोल्ड करेंट मैप वर्क इज वेरी गुड अप वेलिंग डाउन वेलिंग का भी कॉन्सेप्ट समझाया टाइप्स ऑफ सी दिस इज वेरी वेरी बहुत डिटेल में सारी चीजें बताया देन दिस इज फॉर्मेशन तो ये सेकेंड पार्ट भी हमने यहाँ पे एड्रेस किया कि इम्पैक्ट क्या होता है ओशियन करेंट्स का एडजॉइनिंग एडजॉइनिंग एरियाज में एडजॉइनिंग एरियाज में तो हमेशा ये बात याद रखनी है कि सवाल पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए एक भी पार्ट मिस नहीं करना चाहिए वहां पे ओके देन दिस इज शुभांगी दिस इज रियली गुड सी कितना अच्छे से टैबुलेट कर दिया सी दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी हम एक दूसरे से सीखते हैं इतना लर्निंग कितनी अच्छी होती है अभी कितने अच्छे से रिविजन हो जाएगा इसका विद इन मिनट्स अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल एक्सिलेंट वर्क लिमिटेशन एंड दिस वेरी नाइस ओशियन करेंट भी बहुत अच्छे से आपने बताया थर्मो हलाइन आपका प्रेजेंटेशन वर्क बहुत अच्छा है कोल्ड करेंट अब ये भी कितने अच्छे से टेबुलेट कर दिया एक्सिलेंट राजा यू आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड वेरी सिस्टमेटिकली आप पढ़ रहे हैं जनरल 76C, दिस इज रियली गुड आप मेन्स में बहुत अच्छा करने वाले हो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर क्वालिफिकेशन ड्यूटीज, वेरी नाइस राइट लिमिटेशन आर्टिकल्स टेन यू एक्सलेंट वेरी नाइस राइट टू स्पीक एंड राइट टू टेक पार्ट अब इसमसी दिसक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ you mm -hmm.